नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है विद्यारम्भ। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। दोस्तों आज से हम लाए हैं आपके लिए थर्ड क्लास ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था हमारा कोर्स? एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है आ जाइए देख लेते हैं। सुकुश। Yes sir, I am ready. Start. Electrical machine first का introduction देखा पूरे subject का syllabus के according and हमने first chapter की शुरुआत की जिसका नाम था energy conversion principle। उसमें हमने introduction देखा energy conversion principle का, law of conservation of energy देखा। उसके पश्चात हमने कुछ example देखे थे law of conservation of energy पर। According to this principle or this law, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किस में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है? टरबाइन में। और टरबाइन की मदद से वो क्या हुआ, जो स्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफर हो गई? क्यू बॉल में, आपकी व्हाइट बॉल में, आपकी मेन बॉल में, और वो भी मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है। दोस्तों आज से हम शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्जन की। टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट की कॉपी। अभी तक नहीं बनाई है दोस्तों बना लीजिए, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। सुकुश, आर यू रेडी टू एक्सप्लेन? यस सर, वी आर रेडी टू एक्सप्लेन। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, electromechanical energy conversion principle, these three topics is very important in this chapter. We are going to cover this. Let's start it. चलिए आ जाइए electromechanical energy conversion के तरफ। ठीक है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे। An electromechanical energy conversion device is one which converts electrical energy into mechanical energy or mechanical energy into electrical energy. Electromechanical energy conversion device वह device है, या फिर कह सकते हैं वह इक्विपमेंट है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व्ड, रोटेटिंग और लीनियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्टर्स। इन अ मशीन एक्टिंग एज अ मोटर, energy is converted from electrical to mechanical, whereas in the machine acting as a generator, energy is converted from mechanical to electrical. This category of devices, first category is that is motor or generators, involves continuous energy conversion and utilization. देखिए दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को समझना बहुत ही आसान है। क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो है वह क्या करता है, जो वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कायम में मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, कैसे? अगर मान लीजिए कोई मोटर है, तो मोटर क्या करती है, मोटर को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट देते हैं। हमारे घर में जो मोटर है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो रही है, रोटर उसका रोटेट हो रहा है, मोटर घूम रही है। तो घूम रही है क्या हो रहा है, वो मैकेनिकल वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है, वो मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ठीक, तो क्या समझ में आया कि हमने इलेक्ट्रिकल इनपुट दी और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट था वो किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी के आउटपुट में। ठीक, वेयर इज अ मशीन एक्टिंग एज अ जनरेटर, यदि यही मोटर को हम एज अ जनरेटर उपयोग करें, मींस जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट दे तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल डैम, ये हमने क्या कर रखा है, हमने इस टरबाइन को हमने कनेक्ट कर रखा है किससे, जनरेटर से। जैसे जैसे टरबाइन रोटेट हो रहा है वैसे ही जनरेटर भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और जैसे आप देखते हैं कि जो आउटपुट वायर है, जो आउटपुट वायर है जो कि हमने हमारी
स्टोरेज बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, उसमें पता चलता है कि उसमें करंट आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मैकेनिकल इनपुट दिया और इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला। यह किसके कारण हुआ? ये जनरेटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एग्जाम्पल था। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये दो मेन कैटेगरी है, मोटर एंड जनरेटर, जो कि इन्वॉल्व करता है एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल या फिर उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन। ठीक, आगे चलिए। देखिए, अ सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस इन्वॉल्विंग वाइब्रेटिंग मोशन प्रोसेसेस ओनली लो एनर्जी सिग्नल्स एज इन द टेलीफोन सर्विसेस, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, ग्रामोफोन्स, पिकअप्स एक्सेट्रा। देखिए क्या है कि जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस होते हैं उसमें भी कन्वर्जन हो रहा है। किस रूप में कन्वर्जन हो रहा है? अगर आप एक्चुअली में देखेंगे तो ये क्या है, सब सिग्नल्स है, सिग्नल्स है जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं साउंड में। ठीक है, जो सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं काहे में, साउंड्स में। साउंड्स में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपके माउथ में से या आपकी वोकल कॉर्ड में से क्या हो रहा है कि वाइब्रेटिंग करके वेव्स निकल रही है। वाइब्रेशन के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे साउंड क्रिएट हो रहा है आपके वोकल कॉर्ड में। अब वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड कैसे कर रहा हूँ? मेरे पास है माइक, माइक में मैंने क्या किया, माइक क्या कर रहा है, उस वाइब्रेशन के साउंड को रिसीव कर रहा है। वाइब्रेशन के साउंड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और रिसीव करने के कारण क्या हो रहा है कि वह कन्वर्ट कर रहा है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किसे? वाइब्रेटिंग सिग्नल को, वाइब्रेटिंग साउंड सिग्नल को काहे में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। कौन? माइक। और जिसकी मदद से आप अभी तक स्पीकर पे सुन पा रहे हैं। ठीक, तो यह यहाँ पे भी किसी ना किसी रूप में एनर्जी का कन्वर्जन बेस्ड है, एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है। देखिए, थर्ड कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस क्या है? अ थर्ड कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूसेस फोर्स एंड टॉर्क विथ लिमिटेड मैकेनिकल मोशन एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्यूटेटर्स एक्सेट्रा। अब देखिए, यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए, जनरली ये जो ट्रांसलेटरी मोशंस होते हैं इसका क्या कार्य है समझिए, ये प्रोड्यूस करता है फोर्स को और टॉर्क को, ये दो चीजों को यह प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मैकेनिकल मोशन। अगर थोड़ा सा मैकेनिकल मोशन होगा तो फोर्स और टॉर्क वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये जनरली किन किन इक्विपमेंट में होता है ऐसा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, और एक्यूटेटर्स जो हैं उनमें होता है। हम जब पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या है उपयोग है देखेंगे, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एक्यूटेटर्स क्या होते हैं समझेंगे। ठीक,